आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव नौशना शेखोपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 3200 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती जलीसा बेगम ने अपने हाथों में संभाल रखी है। ग्राम प्रधान जलीसा बेगम, सचिव कुलवीर यादव के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी भरपूर विकास देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते ग्रामवासियों का भी काफी सहयोग ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी भी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के नौशना शेखोपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान में किस तरह से इन्होंने अपने ग्रामवासियों की मदद की है, आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, 4 साल आपके कार्यकाल को जैसे कि पूरे बीत चुके हैं, लगभग ज्यादा ही हो गए हैं, तो क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में अब तक करवाए आपने? अब तक हमने गांव में नाली बनवाई, सड़कें बनवाई, खरंजे बनवाए, लगभग हमने 1000 सीमेंट की सड़कें बनवाई और लगभग 1-2-3 दीवारें बनवाई रास्तों की। एक तालाब था, वो जब से चकबंदी हुई जब से उसमें खेती हो रही थी, वो तालाब से कब्जा हटवा के तालाब खुदवाया। एक तालाब का कब और अभी उसकी नपत करा दी थी, कब्जा हटवा दिया, दोबारा कब्जा जल लिया। मतलब इन तालाबों पर अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा था लगभग, जिसको आपने जो है हटवा करके आप तालाब की खुदाई करवाई करा दी। एक तो पूरा हट गया, एक जो है को काम शुरू होने जा रहा है। ग्राम पंचायत पूरी हो गई है। आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले, आवास कम ही मिले जी। यहाँ जैसे सरकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं चली हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये सभी को मिले हैं गांव में? हाँ, कनेक्शन सभी को मिले हैं। किसानों को सम्मान निधि का पैसा? किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल गया, कुछ लोग रह भी गए, अब कुछ का रुक गया है, उनके कार्य दोबारा दिए हैं जी। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या काम? स्कूल में शौचालय बनवाए हैं, टंकी फिटिंग कराई है, 3 स्कूल है, तीनों में टंकी फिटिंग अलग से कराई है, फर्श पूरे कराए गए हैं स्कूलों में, स्कूलों में किचन बनवाया गया। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गांव में? साफ सफाई के लिए हमें एक कर्मचारी मिला हुआ, एक कर्मचारी हम अलग से रखते हैं। तीन गांव है हमारे, साफ सफाई कराते रहते हैं जी। तो जैसे कि सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ये है बने हुए? बारात घर भी नहीं है, पंचायत घर भी नहीं है, पंचायत घर की बारात घर की मांग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र एक है, एक नहीं है जी। शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये हैं मतलब शमशान घाट की बाउंड्री नहीं है, कब्रिस्तान की भी बाउंड्री नहीं है जी। शमशान घाट अस्पताल भी नहीं है। कितनी दूर यहाँ से अस्पताल है? यहाँ से अस्पताल है साहब, एक अस्पताल तो डींगरपुर है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है, 5-6 किलोमीटर। या पुनर्गी है, पुनर्गी वाला तब 14-15 किलोमीटर बैठे हैं, तो मतलब लगभग 6 किलोमीटर से कम अस्पताल नहीं है ये। और एक हमने कन्या इंटर कॉलेज की मांग करी है जी, जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था, जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, वो फाइल तैयार हो गया हमारी, चली गई है पास होकर नकलों जी, जमीन पड़ी है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कन्या इंटर कॉलेज अगर मिल जाए तो बेहतर होगा। कन्या इंटर कॉलेज भी कोई आसपास नहीं है, कुंदरकी में जाके कन्या इंटर कॉलेज जी। तो आपने अस्पताल के लिए भी यहाँ कभी कोशिश नहीं की कि सरकार मदद करे या बन जाए? कोई जमीन वगैरह नहीं है क्या? अब अस्पताल की वो जो जमीन थी वो कन्या इंटर कॉलेज के लिए हमने दे दिया, प्रस्ताव करा जी। अब जैसे कि लॉकडाउन रहा है, 60-70 दिन का लॉकडाउन रहा है और अभी भी बीमारी अपनी जगह पर है, बढ़ने पर है, तो आप अपने गांव वासियों की मतलब किस तरह से आपने मदद की है इस दौरान में? जैसे गरीब लोग रहे हैं या बाहर से कुछ लोग जो आए हैं, किस तरह से आपने यहां पर योगदान दिया? इसमें राज्य के पास परेशानी थी खाने की, उसे अनाज दे दिया, चावल दे दिए, या जैसे जरूरत थी कुछ पैसे दे दिए चुपके से जी। ऐसी मदद हमने लोगों की है जी, या साफ सफाई करा दी है जी। जैसे बाहर से तो आपके गांव में कोई लोग आए हैं या नहीं? कुछ लोग आए हैं बाहर जी, तो उनकी जांच वगैरह आपने स्वास्थ्य विभाग को? मुझे भेज दिया, उन्हें कुंदरकी अस्पताल में भेज दिया था, मुझे जाकर उनकी जांच होगी जी जी जी। क्या आपकी ग्राम पंचायत में कोई कोरोना संक्रमण का मरीज पाया? कोरोना संक्रमण का कोई मरीज हमारी यहाँ ग्राम पंचायत में नहीं पाया गया। अब अपने ग्राम पंचायत को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से ये मांग रखना चाहेंगे, ये जो है अगर हमारे आसपास 14-15 गांव ऐसे हैं जहाँ 8वीं तक के स्कूल है, उसके बाद में 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए परेशानी रहती है, तो इसलिए हमने कन्या इंटर कॉलेज की मांग करी है। वो कन्या इंटर कॉलेज के लिए वो मंजूरी होकर चली भी गई है, पूरी फाइल चली गई है, ऐसा जाँच हो गया, जमीन हमारे पास है लगभग 6 बीघे के आसपास।
अगर हमें कन्या इंटर का भी मिल जाए तो ये जो है बच्चे आराम से इंटर तक की पढ़ाई फ्री कर। इसके अलावा बारातगढ़ पंचायत घर के लिए भी आप जो है चाहेंगे कि बनेगी बारातगढ़ पंचायत घर मिल जाए वो अच्छी बात। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन चार सालों में इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, यहाँ पर आवास भी लोगों को मिले हैं और ओडीएफ भी ग्राम पंचायत हो चुकी है। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण का काम हुआ है। एक और काम जो यहाँ प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ अंजाम दिया है, कब्जे की जमीन जो कि अवैध रूप से जिस पर कब्जा था तालाब की जमीन पर, उसे कब्जा मुक्त कराकर वहाँ तालाब की खुदाई शुरू करवा दी है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान में, बीमारी के दौरान में भी यहाँ लोगों की काफी हद तक मदद की गई है, राशन से भी और आर्थिक भी। यहाँ अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर जो यहाँ निर्मित नहीं है, जिनका होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही प्रमुख मांग यहाँ कन्या इंटर कॉलेज को लेकर के की गई है, जिसकी मंजूरी हो चुकी है, केवल निर्मित होना बाकी है। अशरफ अली के साथ मुनाजरी टुडे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार है। आप यहाँ विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हो? मैं इंचार्ज अध्यापक हूँ। अच्छा, बताइए यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या ग्राम प्रधान द्वारा जो है अभी कार्यकाल के अंतर्गत जो है हैंड वॉश और लड़कों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है और रसोई में भी कार्य किए गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं, काफ़ी अच्छा काम हो गया। नीचे फर्श वगैरह टाइल्स बिछवाई है कुछ एरिया में। समय देते हैं विद्यालय के लिए ग्राम प्रधान? प्रधान जी समय समय पर बीच बीच में आते रहते हैं और हमारी जरूरतों पर पूछते रहते हैं। और कुछ कहना चाहूँ? मैं यही कहना चाहूँगा हमारे ग्राम प्रधान जो है, जो भी हम उनसे कहते हैं वो उस काम को करने के लिए पूर्तियाँ तैयार रहते हैं।